पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प, गौशाला में लगाए गए पौधे। गांव चंपाकेड़ा में राज राजेश्वरी गौशाला में लदूसा फाउंडेशन के तत्वावधान में वृक्षारोपण अभियान के तहत गांव चंपाकेड़ा गौशाला परिसर में पौधारोपण किया गया, जिसमें बरगद, पीपल, शीशम, बहेड़ा एवं नीम के पौधे लगाए गए। संस्था के पदाधिकारियों ने जागरूकता अभियान के तहत जागरूक किया, साथ ही पर्यावरण में हो रहे दोहन के प्रति जागरूक होकर अधिक संख्या में पौधे लगाने का भी संकल्प दिलवाया गया। श्री राज राजेश्वरी राधिका गोदाम गौशाला चंपाकेड़ा में श्री लदूसा फाउंडेशन की ओर से हमारे पास फ़ोन आया था कि आपकी गौशाला में हमें वृक्षारोपण करना है। हमने उनको सहमति प्रदान की। जैसा कि इस गर्मी में देखने में आया है कि टेम्परेचर बहुत हाई होने की वजह से बहुत से मानव ने अपनी जान खो दी थी, और इन्हें इनका आग्रह था तो हमने शहर से इनको सहमति दी और इन्होंने आज लदूसा फाउंडेशन की ओर से हमारी गौशाला परिसर में 50 पौधे लगाए। समिति की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और इनसे आशा और अपेक्षा है कि आने वाले समय में भी और भी गौशाला में जो मदद ये कर सकते हैं इनके फाउंडेशन के माध्यम से वो कर सकते हैं। श्री राज राजेश्वरी गौशाला चंपाकेड़ा में आज लदूसा फाउंडेशन की ओर से पौधारोपण किया गया, जिसमें शीशम, पीपल, बरगद और नीम के कई पौधे लगाए गए। इसमें सभी गौशाला के साथियों ने काफ़ी मदद की और सभी के गौशाला और लदूसा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन सफल हुआ। और क्या कुछ आप वृक्षारोपण को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लदूसा फाउंडेशन की मुहिम लगातार 3 सालों से लगातार जारी है, जिसमें लदूसा के साथ ही हमने आसपास के कई क्षेत्रों में पौधारोपण किया है और निरंतर जारी है। इस श्रृंखला में हम लगातार जो पर्यावरण संरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं पौधों को सौंप रहे हैं प्रकृति को, ताकि धरती का श्रृंगार भी हो और पर्यावरण का कहीं ना कहीं दोहन जो होता दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं वातावरण शुद्ध हो, ऑक्सीजन और वातावरण के साथ शुद्ध ऑक्सीजन लोगों को मिल पाए। कुल आज कितने पौधे आपने यहाँ पे लगाए और कितने पौधों का आपका लक्ष्य रहेगा आने वाले समय में? आने वाले समय में लगातार हर क्षेत्र में जहाँ जितने पौधे लग सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ उतने पौधे लगे, और कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी भी तय की जा रही है कि उनकी देखरेख कौन करेगा। पौधे जहाँ लग रहे हैं वहीं के लोकल जो है लोग हैं वहाँ उनकी देखरेख करने के लिए जिम्मेदारी उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी देखरेख के साथ पानी देने की जिम्मेदारी भी वो ले रहे हैं। क्या परिचय है आपका? मैं हरिओम वीर, लदूसा फाउंडेशन संस्थापक एवं अध्यक्ष। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हर रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।